और मेरी बालकनी से हो रही है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जरा व्यू देखो पीछे से, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ से बाहर देखे जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट क्यों ना कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल हम हैं घर पे, आज कहीं नहीं जाना, मंडे है पर छुट्टी है आज की भी, और वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। और मैं रेसिपीज देख रही थी यूट्यूब पे, कुछ चिकन वाली, चिकन की कोई भी आइटम बना लो ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लजीजदार होती है। तो आज से आपके मुंह में भी पानी आने वाला है, पानी तब आएगा लेकिन जब मैं अच्छे से बनाऊंगी, कुक करूंगी। तो आज मैंने दो चीज़ें देखी हुई हैं बनाने के लिए, एक देखा मैंने चिकन रोल फिंगर कुछ ऐसा, तो दूसरा प्याज और पटैटो के पकौड़े, मतलब आलू और प्याज के पकौड़े। तो अभी ना हम वही बनाने वाले हैं। तो अभी 3:30-4 बजे का टाइम हो गया है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो और भूख ना इतनी ज़्यादा लगी है, गुड़ 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 होए जा रहा है, पूरे हाथी चूहे भेल दौड़ रहे हैं मेरे पेट में, लोगों के पेट में से चूहे दौड़ते हैं मेरे को। यहाँ आके ना बहुत भूख लगी है, रमजान है, मतलब हमारे वहाँ प्यास लगती थी मुझे, लेकिन यहाँ पे भूख से ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अभी फिलहाल जल्दी से जाते हैं, आपको बोर नहीं करते हैं। आज ना आपको नया सा देखने को मिलेगा, पहली बार आपको जीनत कुक करते हुए मिलेगी अच्छे से वो भी, ठीक है। पहले तो जब मैं कुक करती थी बहुत नहीं बनता था अच्छे से सारा, पर यूट्यूब के जरिए ना हम अच्छा बना सकते हैं, कोई भी अच्छा बना सकता है। और थोड़ी बहुत लड़की को तो नॉलेज होती है, तो इतना तो होता ही है भाई, जिसने खाना भी नहीं बनाया होता वो भी थोड़ा बहुत कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडा बनाना आ जाए। तो और ईद करीब है, तो मेरी ईदी देना आप लोग मत भूलना, ठीक है। फिर आप कुछ लोग आके बोलेंगे कि आ गई भीख मांगने, ईदी भीख नहीं होती, और मेरे को आदत है ईदी मांगने की, ठीक है। और इस बार तो ईदी एक्सपेक्टेड है मुझे सबसे बहुत सारी। कल जैसे इरबाज मुझे बोल रहा था कि ईदी देने के लिए पैसे दे, आप मैं कहा मैं खुद ईदी के चक्कर में बैठी हूँ, मैं क्यों ईदी दूँ, मुझे शादी हो गई है, बड़े हो गए, मतलब मैं देते हुए अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरे को लेना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग मेरी ईदी तैयार रखना। तो और क्या बोलने वाली थी मैं और आज मेरे ब्लॉग एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आ रहे हैं, तो यार उसके रीज़न ये है कि एक तो जो मैंने आपको पहले बोला था, दूसरा ये है कि मेरे से एडिटिंग हो नहीं रही है, मतलब बहुत सख्ती आती है रमज़ान में। अभी थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है, कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन आई, होप आप समझ सकते हैं। लेकिन ईद के बाद मैं आपके कंटिन्यू इंशाल्लाह रहूँगी, और अभी मैं अभी लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, वरना मुझे ज़रा भी हिम्मत है तक ज़रा भी नहीं है ब्लॉग बनाने की। तो आपको बोर ना करते हुए हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। द लेजी बॉय, क्या बोलता मैंने आपको, सोने के लिए बोलता ना, सोने के लिए बोला था, सोई थी है पूरा दिन, तू सोई थी, मैं सोई थी पूरा दिन। हाँ। अरे बहुत मोटे आ रहे हैं अभी, गोले मोले गोला मोला ऐसा पूरा गोल आ रहा है। अभी तक सोए हैं और मुझे अभी खाना बनाना है, इतना सारा बनाना है, मेरे को भूख लगी है अभी से, कैसे बनाऊं मैं इतना सारा, पूरा दिन सोई थी, ठीक है, पूरा दिन ही सोई थी, ठीक है। उठी 12 बजे, तू इतना झूठ बोल रहा हूँ, 12 बजे झूठ बोल रहा है, 12 बजे ऐसा बोले, 12 बजे 12 बजे उठी, नमाज पढ़ी, फिर सो गई, ठीक है ठीक है। अभी ना जल्दी से मैं कुकिंग करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कैसा बनेगा बोलेंगे, नहीं बहू बस होती है, ताना दे जाओ, नहीं नहीं ताना दे जाओ, बोलो अच्छे से, बोलो ताना दे जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, कैसा बनेगा खाना, चलो बताओ कैसा बनेगा खाना, हाथों से बनाओ अच्छा ही बनेगा, ठीक है। मैं जा रही हूँ बनाने, सो जाओ, आपका तो मेरी आपकी आँखें मुझे खुली नहीं दिखनी चाहिए। अभी हम बना रहे हैं पकोड़े, प्याज और आलू के पकोड़े, इनका मैंने छोटी छोटी स्लाइस, अच्छा तुमने किया, मैंने करके दी, जरा तुमने करके दी, आराम से सो रहे थे, घोड़े बैठ के खाटे यहाँ तक सुनाई दे रहे थे, चुप रहो, मैंने करके दी, ठीक है। मैंने क्या बोला, तो थोड़ी हेल्प में की भी नहीं हेल्प में, ठीक है। अभी ये पकोड़े बनाएंगे, फिर हमने वो बनाना है, वो पता क्या था इसका नाम, मैं भूल गई थी, इसका नाम था चिकन चीज फिंगर, दिखा मुझे, चिकन चीज फिंगर, ठीक है, जा इस डिश का नाम,
आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम पकौड़े करेंगे फ्राई, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। उसके लिए मैं आपको बाद में बोलूंगी वो क्या है, मैंने कहाँ से यूट्यूब से ही देखी ऑफकोर्स, लेकिन रेसिपी बताऊंगी, लेकिन उसको ट्राई तब करना जब मुझे वो अच्छी लगे, जब मैं उसको यस करूँ तब, ठीक है। और यहाँ पे आयाज मेरी हेल्प करने आया, करोगे? अभी तक इसने कुछ नहीं किया, हाथ नहीं लगाए, नमाज पढ़ने गए थे, सोए थे, फिर नमाज पढ़ने गए, फिर मैंने पढ़ी, अभी अभी जस्ट मैंने ये सब मैगनेट करने को रखा था, तो अभी जल्दी से मैं लाती हूँ मैगनेट जो भी है। मैंने हाथ धोए तुमने शक्ल दी बिना हाथ धोए डाले, ठीक है। मेरे हाथ हमेशा साफ ही होते हैं भाई, चुप है हाथ धो के। इतना पानी कहाँ से आया, मैंने तो कम पानी डाला था, तो ठीक है। बिस्मिल्लाह यार, ये बहुत हो गया गीला, इतना गीला नहीं होना चाहिए था, इतना ही हो चुका है। क्या ज़्यादा पानी पड़ गया इसके अंदर, थोड़ा बेसन डालना पड़ेगा, मगर बेसन डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा ज़्यादा। अंदर नाक से फोड़ो अपनी, आप फोड़ो मेरे नाक के पीछे पड़ गया, उसके लिए नाक बड़ी चाहिए अंदर फोड़ने के लिए। ओह मैंने दूसरा आपकी वजह से मैं दो अंडे डाल दिए, क्यों भूल गए थे। अभी मैं बता दूं इनको कि मैंने क्या किया, पहले जो किया मैं भूल गई क्या किया था। किया मैंने पहले चिकन को ग्राइंड किया, ठीक है, सूखे चिकन को धोकर, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, हाँ फिर मसाले मिक्स किए इसमें, यार मैं कितनी भुला करूँ। जब अच्छा बनेगा तब मैं आपको बताऊँगी क्या मैंने किया। अभी मैंने मैदे का आटा लिया और ये ब्रेड का चूरन पता नहीं क्या, अभी इसके हम पीस बनाएंगे ऐसे 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 फिंगर के जितना बनाना है। इस यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे ही देख के मैंने बनाया था। गाइस ये कुछ ऐसे बने, अब टेस्ट में पता नहीं, अम्मी फ्राई कर रहे हैं और मैंने थोड़े ज़रा बड़े बना दिए, तो देखते हैं कैसे बन रहे टेस्ट करके। पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और ये भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। कौन सा मैन था ये है? तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और अभी ना धूप बहुत अच्छी है, मतलब अभी अच्छी मतलब कि कम है, तो इंसान ना बाहर निकल सकता है मजे से, कैमरा कितना हिल रहा है, और ऐसी धूप होती दिन में भी क्या जाता, मैं आज पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकली, इसी वजह से कि बहुत धूप होती है तो स्किन ऐसे जलने लगती है और गर्मी होती है, और कोसा तो होता ही है, फिर आप सोच लो कि हालत क्या होती होगी। अभी हम जा रहे हैं फ्रूट वगैरह लेने, थोड़ा फ्रेश होकर भी आ जाएंगे बाहर से, फिर मिलते हैं आप। आज यहाँ पर रुके होगा, मैंने कहा मुझे ये चलानी है, तो इस वाली ये बहुत सुंदर लोकेशन है, ये वाली तो मैं इस पर थोड़ी सी राइड करना चाहती हूँ भाई, इस पर करनी है। वाह ये तो बहुत ऑसम है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बाइक चला रही हूँ, कोई ड्रैगन जैसी बाइक चला रही हूँ। वाह ये दिखाओ ये बहुत सही है। वाह लड़की बुलेट चला रही थी पर वो वीडियो मेरी ले रहा, रोकना चाहिए था मुझे लड़की को। चले इसके पास, यहाँ पे मैंने एक लड़की देखी जो बाइक राइड कर रही थी, और मैं ना उसके पास जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कोई एक लड़की चाहिए अपने साथ यहाँ पे, तो बस मिलनी चाहिए आपको जबरदस्ती, मैं कहा चल सकता है। अभी हम इश्तियारी वगैरह करके बैठे हुए थे, अभी मैं बता देती हूँ, ओ थोड़े मेरे गले में दर्द है आजकल अंगूरों में, आपको पता है, मैं आपको बता दूँ आजकल अंगूरों में कुछ पाउडर जैसा डाला जा रहा है, और मैंने इन दिनों बहुत अंगूर खाया तो मेरा गला ना बिल्कुल बैठ गया है, मतलब बहुत दर्द हो रही है। तो हाँ मैं कहाँ थी, बहुत ही टेस्टी वो लाजवाब बना था यार, मज़ा आ गया मेरे को, मैंने पता नहीं कितने सारे खा लिए, अभी भी दो बचे हुए मैंने खाने, बाद में टेस्टी बना था, मतलब यूट्यूब से देख के भी इंसान बहुत कुछ बना सकता है। तो और अगर आपको कुछ स्पेशल रेसिपी पता है, मतलब कोई अच्छा सा हमारे जम्मू कश्मीर का, राजमा दाल नहीं बताना, राजमा दाल मैंने बना चुकी हूँ, ये मटन शटन, मतलब डेली मैं कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ यहाँ पे,
आप मुझे बताना कि कोई अच्छी चीज़ है आपकी नॉलेज में जो मैं बना पाऊँ और आपके लिए फिर मैं व्लॉग बना पाऊँ और आपके नाम लेकर उस वो चीज़ जब मैं व्लॉग बनाऊँगी मतलब आप कोई भी रेसिपी हमारे वहाँ की जो बहुत फेमस हो वो पूरी मुझे कमेंट में लिख देना तो मुझे जो अच्छी लगेगी मैं वो आपका नाम लेकर वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी और पूरा व्लॉग बनाऊँगी उस पर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में मुझे पूरी रेसिपी बता दो, कोई अच्छी सी डिश, टेस्टी टेस्टी होनी चाहिए तो कमेंट कर देना तो मैं आप जो भी मुझे चीज़ पसंद आएगी तो उसमें से मैं बना दूंगी। ये बहुत अच्छी बनी थी वैसे बाय द वे। अयाज को पूछते हैं, अयाज को मैं तो अपनी तारीफ कर सकती हूँ ना, अयाज मत कर सकते मेरी तारीफ छूटी। अयाज मंसूर कैसे बने थे वो चीज चिकन ना चिकन चीज फिंगर? पक्का कुछ खामी तो नहीं थी? ठीक है, और कुछ बोलना चाहते? खामी नहीं थी, चिकन बहुत ज्यादा था चिकन वो इसलिए बहुत ज्यादा था यूट्यूब पर जैसे दिखाया था मैंने वैसे ही बनाया, वो पूरे का पूरा चिकन से ही बना था, उसमें कोई प्याज श्याज उसने डाले नहीं थे तभी मैंने वैसे ही बनाया था। और बस मुझे अब सोने दो, वो जाने नमाज़ हमेशा सोते रहते हैं। तुम्हारा नाम मत खराब कर। ठीक है, क्या बोल रहे सर दबा रहे, ताप चढ़ा है मेरे को बहुत ज्यादा। गाइस मैं हो चुकी हूँ बीमार, गले में दर्द खांसी, अब मुझे नहीं पता व्लॉग बना पाऊंगी।